बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। आदरणीय यशवंत सिन्हा जी, साथ में आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी और गांधी शांति यात्रा में चल रहे हमारे सभी साथी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, सदन में नेता विरोधी दल आदरणीय अहमद हसन जी, पार्टी के सभी नेता, कार्यकर्ता साथियों, माताएं बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी आए और गांधी शांति यात्रा का आपने स्वागत किया। मैं सभी समाजवादी साथियों का धन्यवाद दूंगा। साथ ही साथ नई दिल्ली नेतृत्व कर रहे आदरणीय यशवंत सिन्हा जी, लोग लगातार पिछले कई दिनों से कई प्रदेशों में जा कर के और आज उत्तर प्रदेश से होकर करके जा रहे हैं। मैंने बधाई देता हूं, इनके साथियों को बधाई देता हूं कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं, आज सबसे ज्यादा अगर जरूरत किसी बात की है तो इन्हीं सिद्धांतों की जरूरत है। और इस बात को हम इसलिए कहते हैं कि हम में से जितने लोग बैठे हैं सबने बापू को पढ़ा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सब समझते हैं, उनके रास्ते को सबने समझा है। वो गुजरात से निकले न केवल अपने प्रदेश देश में बल्कि दुनिया में उन्होंने सिद्धांत दिया शांति का और अहिंसा का। वो गुजरात से चले थे और अब देखो कैसा है कि गुजरात से कुछ लोग चले, वो शांति को खत्म करना चाहते हैं, वो हिंसा का सहारा ले रहे हैं। आपकी यात्रा भी यमुना के किनारे खत्म हो रही है और वो लोग भी यमुना के किनारे कब्जा किए हुए हैं। और ये जो अभी नारा लगा है कि जिंदा है, हमारे पड़ोसी ने भी सुन लिया होगा। हमारे पड़ोसी, उनकी भाषा की चर्चा पूरे देश और दुनिया में हो गई है। जब तक ठोकने की बात कह रहे थे तब तक तो हम ही और आप समझ पा रहे थे। जब से उन्होंने और उनकी पुलिस ने कंबल चोरी किए हैं, पूरी दुनिया उन्हें समझ गई है वो कैसे हैं। और जो उनकी मदद करने आए थे लखनऊ में, यहीं पर कह के गए बड़े डंके की चोट पर, अब जो खबरें दुनिया से आ रही हैं, जो अर्थव्यवस्था की हालत है, अब उनकी ढबली फट गई है, अब उन पे कुछ बचा ही नहीं है, अब उन पे कुछ नहीं बचा। और इसीलिए ठीक कहा आदरणीय सद्गुरु सिन्हा जी ने कि बहुत करीब आ गए हम लोग, ये भाषा किसकी हो सकती है, और वो भी लोकतंत्र में भाषा, कि हम पीछे नहीं हटेंगे। इस देश की जनता जागरूक है, समझदार है, आपकी बातों पे भरोसा कर लिया आपने। राष्ट्र प्रेम के बहाने लोगों को गुमराह कर दिया कि राष्ट्र बचा लेंगे। अब जनता जान गई है जो सत्ता में है उनसे ही राष्ट्र बचाना है, ये खतरा हमारी जनता जान गई है। और जैसे लोकसभा में आपने पास किया है, क्या वैसे ही पास नहीं हो जाएगा इसके खिलाफ?
लेकिन उससे पहले हमें भरोसा है अपने देश के सबसे बड़े न्यायालय पर। और जब पूरी की पूरी जनता खिलाफ है, और सवाल यह है ये केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, उनके खिलाफ तो है ही है, लेकिन जितने गरीब हैं उनके खिलाफ है ये कानून। अभी कल ही सैफई में हम लोगों ने बीन सुना थोड़ा बहुत, सपेरे यहां भी आ गए। जैसे इन पे बीन बचा है और इन पे सांप नहीं है, वैसे ही इन पे कागज भी नहीं है। ये कहां से कागज लेकर के आएंगे बताओ? आप पे कागज है किसी चीज के? जब से इस धरती पे रह रहे हैं तब से इन पे कागज नहीं है, ये कागज कहां से लाएंगे? इसलिए हर चीज में जब सरकार असफल हो गई, जब अर्थव्यवस्था इनके हाथ में नहीं है, नौकरी रोजगार दे नहीं सकते, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, देश को आगे ले जा नहीं सकते, तब जानबूझ करके उलझाने का काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है उत्तर प्रदेश की जनता पर कि जब कभी मौका मिलेगा इनके साथ इनसे पूरा का पूरा वोटों से हिसाब किताब किया जाएगा। मैं एक बार फिर आदरणीय यशवंत सिन्हा जी को, सदगुण सिन्हा जी को, जॉर्ज मैथ्यू जी को, प्रशांत जी को और उनके साथ जितने सहयोगी साथी आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं गांधी शहादती यात्रा के लिए, और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आगे की भी यात्रा आपकी शुभ हो। यहाँ आकर के हम समाजवादियों को रास्ता दिखाया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत बधाई। और एक बार फिर अपने कार्यकर्ता साथियों का जिन्होंने पूरे विचार सुने, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद।